आप लोग तो साथ में चुनाव लड़े, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ क्या समर्थन भी करेंगे राहुल गांधी के इस बयान का जो उन्होंने दिया है विदेश में बैठ करके देवताओं को लेकर? समाजवादी पार्टी के साथ है राहुल गांधी के इस बयान के? देखिए, जो बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही है, उस बात के जो भी बात उनकी है, वो कांग्रेस के हमारे साथी उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। समाजवादी पार्टी समझती कि हम एक राजनीतिक नहीं, वो सफाई कहां दे रहे हैं? वो सफाई नहीं दे रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि अटल जी के जमाने में ऐसा होता था, वाजपेयी जी के जमाने में ऐसा होता था, मोदी जी के जमाने में ऐसा हो रहा है। वो गिनवा रहे उस तरफ, लेकिन वो सफाई की बात नहीं कर रहे, वो बयान पे नहीं आ रहे। अब अपनी बात करें समाजवादी पार्टी। देखिए जो बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, उसकी बात कांग्रेस ही रखेगी। हम तो इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों से हटाना चाहती है। हमारे मुद्दे, हम राजनीतिक दल हैं, हमारे मुद्दे हैं गरीब, किसान, मजदूर, और हमारी जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें, उन मुद्दों की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्यों देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था आपके लिए मुद्दा नहीं है फखरुल जी? देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था, उस पर राहुल गांधी का ये बयान आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? हमारे नहीं, भाजपा के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अदान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मजारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, ये सब मुद्दे हो सकते हैं। हमारे लिए मुद्दा देश का गरीब है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जाप्ती हो रही है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया फखरुल जी? इसमें तो मुस्लिम का जिक्र ही नहीं किया गया। आप बेवजह अपना एंगल डाल रहे हैं इसमें, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदुओं की आस्था को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, जिसकी पूजा करते हैं हिंदू, इष्ट देवता मानते हैं, उपवास करते हैं, उनको लेकर के टिप्पणी है ये राहुल गांधी की। सौरभ जी, इस पे जरा टिप्पणी करिए आप, और जरा बताइए कि क्या ये वोट बैंक के लिए है, या फिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, उनके बयानों का मतलब क्या है? और मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए, या जानकारी का अभाव है, क्या जानबूझकर ऐसा है भाई? जानकारी का अभाव तो नहीं है ये जानबूझ करके, चूंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा वर्तमान में दिख रही है वो लगातार, और उनके सहयोगियों की भी, जो लगातार हिंदुओं को तो गाली दे ही रहे हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और साथ ही साथ देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, और उस वही चाल चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा था। इनके बहुत बड़े महासचिव थे, वो भी लगातार रामचरित मानस का अपमान कर रहे एक एक करके बोलिए। फखरुल जी, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। सौरभ जी, अपनी बात पूरी करिए पहले। ये देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के अंदर तो जिन्ना की आत्मा घुस गई है, वो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर वो हिंदुओं से घृणा कर रहा है, हिंदुत्व धर्म से नफरत कर रहा है, और लगातार देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो उनको अपनी दादी से पूछना चाहिए, इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए, अपने परिवार के वंशजों से सीखना चाहिए। जो वर्तमान में कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, वो गठबंधन के नाते समाजवादी पार्टी का चूंकि चाल चरित्र चेहरा का वही है, वही असर पड़ रहा है। आज समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ, नीतीश के साथ, अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है। बताइए कितनी शर्म आ रही है। एक अपराधी जो लूट आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है सौरभ जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सीधे रुक करती राजूदास जी का। राजूदास जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देवता मतलब भगवान नहीं होता है, तो देवता मतलब क्या होता है, जरा समझाइए राहुल गांधी को, जरा बताइए शास्त्रों के हिसाब से देवता मतलब क्या होता है, और राहुल गांधी भला किसे खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? अभी माननीय एक महोदय साहब बोल रहे थे कि मुझको राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी के लोग जवाब दें, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या उनकी नैतिकता नहीं है? अगर वो राजनीतिक दल के साथ हैं, अगर वो उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी के अंदर दम है क्या? मोहम्मद साहब पर टीका कर दे, टिप्पणी कर दे, दम है क्या? बोल कर देख ले, अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा क्या स्थिति होती है। देखा है, बहुत लोगों के गले कट गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है,
राजनीतिक दल के होने के बावजूद भी आगे आगे चलेंगे विक्रमादित्य जी के पास। आचार्य जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे आप, लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह भी है कि राहुल गांधी के जो ऐसे बयान होते हैं सिर्फ सनातन को लेकर के आते हैं, किसी भी और धर्म को लेकर के उनके बयान ऐसे कभी निकल के सामने नहीं आते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वो एक वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं इन्हीं बयानों के जरिए? केवल केवल यहाँ तुष्टिकरण का ही खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। ये केवल इनको पता है कि सनातन संस्कृति वो संस्कृति है, यहाँ पे किसी का विरोध पुरजोर तरीके से होता ही नहीं है, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है, इनको समझना पड़ेगा वास्तविक तौर पर इस बात पर, कभी डेंगू कभी मलेरिया पड़ेगा वास्तविक तौर पर इस बात पर कभी डेंगू कभी मलेरिया पूरा इंडी गठबंधन जिस प्रकार से पूरे सनातन को हाशिए पर लेकर कार्य करने का प्रयास कर रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार का वक्तव्य उनका पूछे, उन्होंने भगवान राम को गांधी के बराबर लाके खड़ा कर दिया। सोचे गांधी के बराबर, गांधी महात्मा गांधी के स्वागत किया जाते हैं, लेकिन महात्मा आप संत के बराबर में परमात्मा को लाके खड़ा करना चाहते हैं? ये कौन सा बुद्धिमानी, ये क्या क्या उपस्थित करना चाह रहे हैं? जिन्होंने राम का स्वीकार नहीं किया, राम को काल्पनिक बताया और उसके बाद आज भगवान राम को उन्होंने लीडर बता दिया और तो और महात्मा गांधी के साथ लाके खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी, बुद्ध, महात्मा गांधी और भगवान राम जैसे लीडर्स ही थे, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से सनातन को की उपेक्षा की जा रही है, सनातन का अपमान किया जा रहा है। मुझे कम से कम इस बात को देखना चाहिए कि केवल कांग्रेस के अंदर ऐसे लीडर्स है ही नहीं कि या केवल अभी भी पूछ के पता है पीछे चलने की आदत है। सनातन की उपेक्षा की जा रही है, सनातन पे चोट किया जा रहा है, ये समझना मुश्किल है। सीधे रुख करते हैं वरुण पुरोहित जी का। वरुण जी, मेरा सवाल आपसे व्यक्तिगत है, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी को, छोड़ दीजिए किसी और को भी, व्यक्तिगत तौर पे बताइए जरा, देवता का मतलब क्या होता है? क्या देवता का मतलब भगवान नहीं होता है, तो क्या होता है? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे अपनी भाषा में? वरुण जी के पास जाएंगे बाद में हम, लेकिन सीधे रुख करते फकरुल जी का। फकरुल जी, जिस तरीके से अभी राजूदास भी सवाल खड़े कर रहे थे कि आप समर्थन में चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन जब राहुल गांधी के बयान ऐसे आ जाते हैं तो आप किनारा कर लेते हैं, तो जरा बताइए कि राहुल गांधी के बयान के साथ आप इसको किस तरीके से जोड़ के देखते हैं? और क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का प्रयास है? चूंकि आप दूसरे धर्म से भी आते हैं तो सवाल बनता भी है आपसे। नहीं नहीं, देखिए मैं यहाँ पे किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारा दल समाजवादी पार्टी वो एक लोकतांत्रिक दल है, हम एक राजनीतिक दल, हमारी जो राजनीतिक जिम्मेदारी है हम उसका पक्ष यहाँ पे रख सकते हैं। धर्म का विषय वो धर्म गुरुओं का है, क्या सही है क्या गलत है वो धर्म गुरु कहेंगे। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठाते हैं अंडर कवर एजेंट के रूप में, जो बहुत से सवाल नहीं, नहीं, तो उनसे, नहीं, 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 जो भी राय है उनकी वो उनकी निजी राय है, वो एनालिस्ट के तौर पे उनकी निजी राय है, चाहे वो जो बोलना चाहे, चाहे उनके मन में जो भी आ रहा हो, वो जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हो अपने हिसाब से, एनालिसिस कर रहे हो, वो उनकी मर्जी है। आप अपनी बात पूरी करें। नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं नहीं, मैं ऐसे बहुत से अंडर जैसे आपके विचारों पर मेरा अधिकार नहीं है वैसे उनके ही विचारों पर मेरा अधिकार कोई नहीं। अरे इनके जैसे लोग पहले शिवम त्यागी भी इसी तरीके से पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बैठते थे, ये जैसे अंडर कवर एजेंट है भाजपा के, खुल के बैठा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। संजय निषाद के बयान पे आप क्यों नहीं बोल रहे? देखिए देखिए ये देखिए ये जब जवाब नहीं होता ना तर्कों तथ्यों की कमी होती है तो वहीं पर ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगती है समाजवादी पार्टी। अभी आपके पास तर्क नहीं है, आप दल देख के सवाल उठाते हैं। अरे कुल क्या होना कि भाजपा के एजेंट हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जितने सारे